आज के चमत्कार की ओर अग्रसर होने से पहले ये है श्री परम ज्योति कल्कि का प्रकटित बोध। आप किसी को समझ नहीं सकते क्योंकि समझने के लिए कोई नहीं है। और अब चमत्कार। मई के 3 दिन के कोर्स के तुरंत बाद मुझे यह उपहार मिला कि मेरे चैतन्य की स्थिति अचानक पूरी तरह से बदल गई। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। यह हम में से प्रत्येक के लिए असाधारण ही है। उस रात मेरी कुंडलिनी प्रस्फुटित हो गई। प्रक्रिया के बाद मैं लगभग आधी रात को सोने चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि 20 सेकंड बाद ऊर्जा और प्रकाश का प्रस्फुटन हुआ। मेरे पैरों की उंगलियों से मेरे सिर की चोटी तक मैं एक प्रकाश का विस्फोट देख रहा था। मैं एक गड़गड़ाहट की आवाज भी सुन रहा था और फिर जैसे सब कुछ रुक गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था, न हिल पा रहा था और न ही बात कर पा रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। यह अनुभव बहुत ही सुंदर था और वह 3 घंटे तक चला और फिर रुक गया। और अब सब कुछ अलग था। देखने, सूंघने, छूने का अलग ही आनंद था। अब एक गहरा आंतरिक मौन है। कोई आंतरिक संवाद नहीं है। मेरे अंदर कोई शब्द नहीं है। और फिर कभी अन्य क्षणों में विचार उपस्थित होते हैं, लेकिन जब वे विचार मौजूद होते हैं तब भी भीतर निःशब्दता रहती है या बिल्कुल भंग नहीं होती। मैं गहरी शांति में हूं। विचार जब मौजूद होते हैं उनसे जुड़ाव नहीं रहता। वे केवल विचार हैं और मैं शांति में रहता हूं। अब कोई कहानियां नहीं है। सभी कहानियां गायब हो गई हैं और इसलिए अब मैं देख सकता हूं कि उन कहानियों ने एक व्यक्ति का भ्रम पैदा किया था। वह भ्रम अब गायब हो गया है। अब कोई आंतरिक बोझ नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि जिसे वास्तविक कहा जाता है वह वास्तव में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह प्रेम से बनी है। कमरों की दीवारें, पेड़, प्रकृति, लोग सभी प्रेम से बने हुए हैं और यह प्रेम सब तरफ संचरण कर रहा है। यह एक लय है। यह सब कुछ बहुत अद्भुत है। यह स्नेह से भरी अवस्था है। उदाहरण के लिए, उस उपहार को प्राप्त करने से पहले मेरी सौतेली बेटी के साथ मेरे संबंध बहुत खराब थे। उसके बर्ताव को देख मैं भड़क जाता था। उसके बारे में बात करने पर भी मैं भड़कता था। मैं कह सकता हूं कि यह मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्ता था। उस रात के बाद अचानक, तुरंत, पूरी तरह से वह मुश्किल रिश्ता गहरे प्यार में बदल गया है। अब मैं वास्तव में इस बेटी से बहुत प्यार करता हूं। यह एक उपहार है, यह एक भेंट है और यह बहुत ही सुंदर है। हर दिन रोमांचक बन गया है।